हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। तो आ गया हूं मैं फिर एक नई वीडियो के साथ। नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं, रियाद का मौसम है। जगह देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। रात का मौसम है ये। अभी मैं चल रहा हूं, आपको ले चल रहा हूं पेट्रोल पंप पे। तो आज मैं भराने जा रहा हूँ। एक्चुअली भराता ही रहता हूँ तेल। तो खैर, मैं आज जो भराने जा रहा हूँ तेल, वो दरअसल यहाँ का एक कार्ड बनता है। अलग अलग कंपनी का ब्रांड होता है, अलग अलग तेल होता है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है अल इदरीस करके महत्ता, वो पेट्रोल पंप है जिसको अरबी में महत्ता बोलते हैं। तो फिलहाल मैं अरबी में बोल रहा था, अरबी में महत्ता बोलते हैं। तो आज मैं उस पेट्रोल पंप पे आपको ले जा रहा हूँ। तो इशारे से यहाँ यू टर्न करेंगे, उसके बाद में आगे जाके पेट्रोल पंप आ जाएगा अल इदरीस। यहाँ पर जो है उसका एक कार्ड बन जाता है, तो आप उसमें रिचार्ज करेंगे, उससे आपका तेल जो है भर जाएगा और रिचार्ज में से पैसे आपके कार्ड से कट जाएंगे। जैसे एटीएम का कार्ड होता है वैसे ही वो कार्ड बनता है। तो फिलहाल मेरा तो ऐसा कार्ड नहीं है, ये मेरे फ्रेंड हैं, इनका एक कार्ड है, तो ये उससे तेल भराते हैं। तो मैंने सोचा आज आपको ये दिखाया जाए कि ये एक ब्रांड का महत्ता पेट्रोल पंप है। तो अभी मैं जिस पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ उसका नाम है अल इदरीस। तो आप देख सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ में, आगे चल के दिखाते हैं आपको कि पेट्रोल पंप कैसा है और यहाँ का सबसे बढ़िया ब्रांड है वो। तो यहाँ पर उसका वो बन जाता है कार्ड, उसमें आप जितने पैसे डालेंगे जमा करके रखिए और कार्ड लगाइए। पेट्रोल पंप पे कोई काम करने वाला हो या ना हो, देख सकते हैं आप, आ गए हम अल इदरीस पेट्रोल पंप पे। तो आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप आ गया है। अब हम इस पे क्या है ना, अगर पेट्रोल पंप वाला भरने वाला ना भी हो तो इसमें क्या है, आप यहाँ पर पैसे कार्ड लगाइए, अपना कार्ड टच करिए और उसमें जो है बैलेंस हो जाएगा। जितने का फिट करना है फिट कर दीजिए, आप अपना तेल भर के और जा सकते हैं खुद भी। तो ये सीन है यहाँ पर का। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है, इसका नाम है अल इदरीस। तो ये मैंने निकालते हैं कार्ड और उसको देते हैं। तो ये गाड़ी में आप देख सकते हैं ये कैसा अनोखा सिस्टम है। फिलहाल मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में देखा, पहले नहीं देखा था। तो अभी आपको दिखाते हैं ये भी। ऐसे तो ये अल इदरीस का महत्ता है, महत्ते और भी हैं पेट्रोल पंप यानी कि और भी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, वो कार्ड टच किया उसने और एक 91 एक 95, दो प्रकार के तेल आते हैं यहाँ पर, दो क्वालिटी के। तो वो देखिए वो टच कर रहा है, उसने वो टच किया, वो उसका हो गया। अब वो कार्ड वापस देगा, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। तो 95 है वो, ज़्यादा अच्छा तेल होता है, उसका कलर अलग होता है। तो ये कार्ड हो गया, तो इस कार्ड से तेल भर जाता है। ये कार्ड है, देखिए आप लोग। तो अभी दिखाते हैं आपको जहाँ इसको रखा जाता है। ये देखो सिस्टम, ये देखो, ये मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में देखा था, मैंने तो नहीं देखा था। काफ़ी अच्छा लुक है इसका, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है कि इसको दबा के खोलने का है, उसके बाद में बंद भी हो जाता है। तो तेल फाइनली भरने वाला भर चुका है अब गाड़ी को। ये कैमरा भी स्टार्ट इसी में हो जाता है, म्यूज़िक भी, लोकेशन भी, सारी चीज़ें इसी स्क्रीन पर है और ये स्क्रीन भी फोल्डों के ऊपर चली जाती है। तो हो गया है, तेल तो भर चुका है हमारा। आगे चलते हैं, आज आपको नज़ारे कराते हैं जो कि है यहाँ पर सबसे महंगी चीज़। अब आपको दिखाएंगे सबसे महंगी चीज़, सबसे नुकसान वाली जगह जो कि यहाँ पर है, सबसे महंगा चालान जो कि मुखालफा बोलते हैं अरबी में, वो सबसे महंगा जो होता है ना वो दिखाने जा रहा हूँ आज आपको। वैसे 500 रियाल का भी होता है, 150 का भी होता है, 100 का भी होता है, 1000 का भी होता है। तो जो सबसे महंगा है वो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि वो सबसे महंगा कौन सा वाला चालान होता है। और कुछ भी नहीं होता, बस आपकी एक गलती, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब है। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या सीन है वो। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए क्या सीन है। तो यहाँ जो भी आया है रहता है, सबको मालूम रहता है इन चीज़ों से, हर कोई डरा रहता है। तो आप भी देखें, अगर आना चाहते हैं, आने वाले हैं नए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सीन है ये। इसका एक बार का चालान पता है कितना होता है? 3000 रियाल, तकरीबन इंडिया के 60,000 रुपये, तकरीबन 60-59 होते होंगे, 60,000 मान लीजिए आप, 60,000 रुपये तकरीबन। 60,000 तो इंसान की सैलरी नहीं बनती है, और ये 60,000 रुपये एक सेकेंड लगता है और ये मुखालफा मार देता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये है वो सीन जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इसके आगे पीछे जो है वो कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैंने निशान बना दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये सीन है। इससे जो है आप एक बार, ये लाइट जो जल रही है ना रेड वाली,
ये लाइट जो है अगर पीली हो गई और आपने आगे बढ़ा दिया, दो पहिए आपके निकल गए, पीले में भी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेड हो गया, स्पीड से आ रहे हैं और रेड हो गया, यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, अगर आपको इशारा दिख रहा है तो आप सिग्नल, जो इशारा है बोलते हैं अरबी में, सिग्नल दिख रहा है, आप पहले से ही इसकी स्पीड को कम कर लें और आराम से निकल जाएं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने निशान बनाया है, ये हो गया एक, एक सामने है वो देखिए, ये सामने एक ये है। तो ये जो है ना चारों तरफ लगे होते हैं, बस एक बार ज़रा सी आपकी गलती होने पर तुरंत फ्लैश आ जाती है, एक फ्लैश, जैसे फोटो नहीं होता भैया जी स्माइल वाला, वो फोटो खींच जाएगा ना बस। तो ये सीन है, आप इसमें जब भी नए आ रहे हैं, कुछ भी है तो इसका बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट सब करें। हाँ।